नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों मैं वीएस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने स्टार जो डेल्टा का स्टार्टर होता है अपना, उस स्टार्टर में जो हमारा सामान की आवश्यकता होती है, उस कौन कौन सा सामान की आवश्यकता होती है वो सारा कुछ बताया मैंने। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टार डेल्टा के जो भी उपकरण की आपको आवश्यकता होती है, जैसे कि हमें स्टार डेल्टा का स्टार्टर को पैनल डिजाइनिंग करना है, तो उसके लिए दोस्तों हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, ठीक है, ये सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बताया। दोस्तों बिना स्किप के आपको वीडियो को देखना है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों आपको ये बता देता हूँ, दोस्तों मैं जो भी आपका वायरिंग है इसमें, कंट्रोल वायरिंग हो या फिर पावर वायरिंग हो, उसका वीडियो मैं दोस्तों ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर दोस्तों आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप उस वीडियो में जाके कमेंट करें कि दोस्तों मुझे ये इस प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आप बेझिझक दोस्तों कमेंट कर लिया करो, क्योंकि मैं उसका रिप्लाई दोस्तों ज़रूर देता हूँ, ठीक है, रिप्लाई दोस्तों मैं आपको ज़रूर देता हूँ। आप कुछ भी तरह का क्वेश्चन करें दोस्तों, उसमें आपको मैं आसान भाषा में रिप्लाई देता हूँ, आप ज़रूर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए कौन कौन से सामान की आवश्यकता होगी। दोस्तों मैं आपको मतलब सबसे अच्छा सामान बता रहा हूँ दोस्तों, जो आपको मेन चीज़ है वो दोस्तों होती है कॉन्टैक्टर। क्या होते हैं दोस्तों? कॉन्टैक्टर दोस्तों जो हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर को बिल्कुल आसान कर देता है, यानी कि विदाउट कॉन्टैक्टर के हम हमारे पैनल को डिजाइन नहीं कर सकते, फर्स्ट बात। सेकंड बात दोस्तों इसमें होता है टाइमर। दोस्तों आप ये भी समझ सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो टाइमर है वो आपका मतलब थ्री स्विच में टाइमर नहीं होता, थ्री जी स्विच का जो होता है वो टाइमर नहीं होता, लेकिन दोस्तों इसको हम टाइमर बोल सकते हैं, क्योंकि एक मिनट के बाद हम जो इसको रन में यानी कि डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं येलो स्विच से, तो वो दोस्तों हमारा टाइमर के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि हम उसको एक मिनट के बाद बोल दें या फिर टाइमर ऑटोमेटिक बोल दें, बात वही होती है कि वो भी एक हमारा टाइमर ही होता है। उसके बाद में दोस्तों NONC स्विच जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं पैनल डिजाइनिंग करने के लिए, दोस्तों इसमें छोटी से छोटी चीज इम्पोर्टेंट होती है। अगर दोस्तों आपको जैसे कि NONC की जगह हमने NC स्विच लिया, NO को छोड़ दिया, तो भी हमारा पैनल को डिजाइन करने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। बात अब वो ये होते दोस्तों कि हमें और क्या क्या आइटम की आवश्यकता होगी दोस्तों। इसके लिए दोस्तों और भी हैं, जैसे कि इंडिकेटर हो गया है ना, ठीक है, कुछ वायर हो गए है ना, ऐसे दोस्तों बहुत सारे आइटम होते हैं। और दोस्तों जैसे कि OLR पावर लोड रिले है ना, ये हो गया। इसके अलावा भी दोस्तों आप लगाना चाहते हैं तो जैसे कि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पैनल डिजाइनिंग में तो ऑलरेडी यही चीज़ है ना, ओनली ये है, जैसे कि अलग से आप MCB का यूज कर सकते हैं, फ्यूज का यूज कर सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं दोस्तों अलग अलग तरीके से। तो दोस्तों मेन चीज़ होती है यही कॉन्टैक्टर, टाइमर, NONC स्विच, इंडिकेटर, कुछ वायर, ओवरलोड रिले, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों हमें एक जैसे कि लकड़ी का फट्टा ले लिया, या फिर किसी भी एक बोर्ड को ले लिया ना, बोर्ड वगैरह ना, कुछ को भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास में स्टार्टर का है तो स्टार्टर का भी ले सकते हैं, ठीक है, स्टार्टर ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके सामने अवेलेबल हो वो सामान आप ले सकते हैं। मेन चीज़ दोस्तों कॉन्टैक्टर होती है। कॉन्टैक्टर हमें कितनी चाहिए ये क्वांटिटी आप देख लीजिए। कॉन्टैक्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए दोस्तों हमें 3 कॉन्टैक्टर चाहिए, जो तीनों दोस्तों अलग अलग है, जैसे कि मैन हो गया, ठीक है, डेल्टा हो गया और स्टार हो गया, 3 कॉन्टैक्टर हो गए। इसके अलावा टाइमर होता है, टाइमर लेना है आपको, NONC के स्विच लेने हैं, टाइमर है तो 2 लेने हैं, टाइमर नहीं है तो 3 स्विच लेने हैं। वो 3 कौन कौन से लेने हैं? 2, एक NO का, 2 NC के, ठीक है। इंडिकेटर ले लेना है, रेड, येलो और ब्लू। वायर लेने हैं, जैसे कि आपको किसी भी कलर कोड के लिए लेने हैं तो अधिकतर दोस्तों इसमें एक कलर कोड चलता है, जो हम ब्लैक ले सकते हैं, ठीक है, और इसके लिए बोर्ड ले सकते हैं, और स्टार्टर हो तो स्टार्ट ले सकते हैं, ओवरलोड रिले ले सकते हैं, थर्मल ओवरलोड रिले ये ले सकते हैं, ठीक है। अब बात होती है दोस्तों ये हमारा वर्क क्या करता है, यानी कि कौन सी चीज़ हमें कैसे काम आती है, ये पूरा आप इस वीडियो में जान लें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और भी आपको वीडियो आती रहेंगी, इसलिए नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, जो मैन कॉन्ट्रैक्टर होता है और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर होता है, स्टार कॉन्ट्रैक्टर होता है, हमें तीन कॉन्ट्रैक्टर क्यों चाहिए दोस्तों? कि हमारे मोटर तो एक तो स्टार में चलती है, दूसरा डेल्टा में चलती है, हमें कॉन्ट्रैक्टर तीन की आवश्यकता क्यों होती है ये आप समझ लीजिए दोस्तों। जैसे कि हमारी मोटर को हम मैन में चलाते हैं, जैसे कि मैन हो गया, तो मैन में चलाने के लिए दोस्तों स्टार को हमें शॉर्ट करना होता है, ठीक है? इसलिए दोस्तों स्टार कॉन्ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, ठीक है? डेल्टा के लिए दोस्तों स्टार कॉन्ट्रैक्टर का जो ये है शॉर्ट वाला पॉइंट है ना, ये क्लियर होना चाहिए, यानी कि ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए तो हमारी डेल्टा में चली। तो इसलिए दोस्तों स्टार का वर्क यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है? शॉर्ट करने के काम आता है और शॉर्ट को अनशॉर्ट करने के काम आता है ओनली स्टार। इसलिए दोस्तों इसका कम एम्पियर का भी हम ले सकते हैं, जैसे कि ये 10 एम्पियर ले लिया है ना, ये दोस्तों हमने जैसे कि 20 एम्पियर का ले लिया, तो इसको भी हम 20 एम्पियर का भी ले सकते हैं। ये दोनों इक्वल इक्वल होते हैं, ठीक है? और ये थोड़ा कम होता है, ठीक है? ये क्योंकि शॉर्ट के काम आता है ओनली, इस पर कोई लोड प्रेशर कुछ नहीं होता, ठीक है? इतना समझ गया आप, है ना? टाइमर क्या होता है? टाइमर दोस्तों ये होता है जो भी हमारी मोटर होती है उसको हम टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलाते हैं, यानी कि दोस्तों हमारा जो डेल्टा में कन्वर्ट होना चाहिए वो दोस्तों 60 मिनट के बाद में होना चाहिए, फिर 50 मिनट के बाद होनी चाहिए, 40 मिनट के बाद, 45 मिनट, एनीवे जितना भी आप करोगे उतना पे आपका टाइमर सेट करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा दोस्तों आपके जो होते हैं NONC स्विच को आपको पता ही हो, पैनल को डिजाइन करने का काम आता है, जैसे कि हमारी पावर चलेगी तो हमारी मोटर ऑटोमेटिकली नहीं चले, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, हमें स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आए, ये सब कुछ आपका NONC स्विच के बिना नहीं हो सकता, ठीक है? इंडिकेटर दोस्तों हमें ये इंडिकेट करता है कि कौन सी हमारी लाइन आ रही है, यानी कि आर आ रही है, वाई मिस है या फिर ब्लू मिस है, यह सब कुछ का यह आपको इंडिकेट कराती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ वायर हैं जो हमें इसको कनेक्शन को पैनल में डिजाइन करने के लिए जो कुछ वायर चाहिए वो अवेलेबल होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों OLR ओवरलोड रिले, जैसे कि आपकी मोटर 50 एम्पीयर लेती है और 50 एम्पीयर पे आपने ओवरलोड रिले सेट की हुई है, अगर आपकी मोटर 60 एम्पीयर पे जाती है तो ओवरलोड रिले आपका फ्यूज कर देगा, यानी कि जो आपका लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 है जिसको हमें वो डिस्कनेक्ट कर देगा, आगे भेजेगा नहीं, इसलिए हमारी मोटर को कोई भी हानि नहीं होगी और हमारी मोटर को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों ये ओवरलोड रिले का यूज किया जाता है कि जो मोटर पे नुकसान न हो, ठीक है? ओवरलोड रिले जहाँ पे भी मतलब ओवरलोड यानी कि एक्स्ट्रा लोड पर हमारी मोटर को यहाँ पे यानी कि लाइन को डिसकनेक्ट कर देता है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों बोर्ड वगैरह होते हैं वो आपको इसमें लगाने होते हैं कि हमें एक साथ में इसको पैनल डिजाइन करें तो कुछ लकड़ी का बोर्ड हो या फिर स्टार्टर हो, कहीं पे भी हो, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब। बाय बाय।